तो क्या घटना थी और उस पर अभी क्या अपडेट है? इसमें अभी तक जो सूचना है, ये एटिगा गाड़ी में दो परिवार के लोग जा रहे थे और एक ट्रक के साथ कोलाइड होने के कारण 8 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है और एक 14 साल की जो बच्चा है उनको BHU ट्रामा सेंटर के लिए रेफ़र किया गया। प्रारंभिक इलाज DDU में हुआ था, फिर यहाँ CT स्कैन और बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको BHU रेफ़र किया गया। सो अब तक जो जो वर्जन जो आ रहा है वो नींद, ड्राइवर नींद में होने के कारण जो है ये एक्सीडेंट होना बताया जा रहा है, इसमें विवेचना जारी है। सर, ये लोग कहाँ के हैं, कुछ जानकारी मिली है? ये पीलीभीत जनपद के रहने वाले हैं और पीलीभीत के जिलाधिकारी से भी मैंने बात कर लिया, उनसे भी कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ और उनके परिवार जो जन को भी सूचित कर दिया गया। ट्रक चालक पकड़ा गया है सर? नहीं, अभी तो इनके इलाज और इसमें जो बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है उसमें जो कार्य हो रहा है, बाकी पुलिस उसकी डिटेल्स आपको बता पाएंगे। सर, बच्चे का क्या अपडेट है अभी? बच्चे का CT स्कैन लिया गया और डॉक्टर के सलाह के आधार पे BHU ट्रामा सेंटर रेफ़र किए हैं, वहाँ की जो डायरेक्टर से भी बातचीत हो गई है, उनकी हर संभव इलाज किया जा रहा है। सर, पूरे एक ही परिवार के लोग थे कि अलग? अभी दो परिवार के बताया जा रहा है जी, और 8 लोग में 5 पुरुष है और 3 महिला हैं। ठीक सर, ठीक है।